हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीची ड्रामा। आज हमारी सुबह सुबह शुरुआत हुई चाय और पकौड़े के साथ। यहाँ मम्मी बना रही थी आलू के पकौड़े और मैं कर रही थी छूट। पकौड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे बने थे। बाद में मम्मी ने तो हमको सरप्राइज ही दे दिए पनीर के परांठे के साथ। फिर हम मैंने मम्मी और पापा ने खाए ब्रेड पकौड़े परांठे चटनी और चाय। ये रही हमारी टमाटर की चटनी। पापा ने अपनी थाली में पहले ही क्रिस्पी क्रिस्पी चुन चुन के पकौड़े रख लिए थे। फिर उसके बाद मैं और मम्मी चले गए सरोजनी नगर। पापा ने तो हमें बोला था कि बस से जाना, लेकिन हम तो ऑटो में बैठ के गए। और मैं मम्मी से यहाँ वही कह रही थी कि पापा आ गए, पापा ने अगर वीडियो देख ली तो पापा हमारी कुटाई कर देंगे। हम जा रहे थे रास्ते से सरोजनी नगर गर्मियों की शॉपिंग करने। और यहाँ सबवे से जाने पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वैष्णो देवी की हम चढ़ाई चढ़ रहे हो। मम्मी की तो हालत ही खराब हो गई थी। ये देखिए हम सरोजनी नगर पहुंच गए। शुरुआत की हमने एयरिंग से। यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे एयरिंग, मन तो कर रहा था सब ले लूं, लेकिन फिर मैंने सब नहीं लिए, इसमें के ले लिए बस। फिर ये मैं मार्केट घूमते हुए, यहाँ पर छत से ना पानी टपक रहा था, मैं सोची क्या हो रहा था। इतनी चिल चिलाती हुई धूप थी कि क्या बताऊं, मैं तो थक ही गई थी। हमें अभी तक मार्केट में कुछ मिला नहीं था, इसलिए मैं परेशान थी। तभी मेरे को मिल गया एक अच्छा सा टॉप, तो मैंने भैया को पैसे दिए और टॉप ले लिया। फिर आगे जाके मैं देखने लगी और टॉप, तो मम्मी ने कहा कि ये फटे फटे कपड़े क्यों पहनोगी। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी तो आजकल का फैशन है। फिर मैंने देखा मम्मी का मुंह, मैंने कहा मम्मी अगर इसके नीचे कुछ हम पहनेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मम्मी ने लेकिन मना कर दिया। मम्मी ने बोला नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मूड ही खराब हो गया था। फिर मम्मी देखने लगी इनमें से टॉप। मम्मी ने कहा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मैंने बोला इसका गला तो बहुत ही ज्यादा डीप है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। फिर हम और देखने लगे। फिर इतनी गर्मी थी कि फिर मैंने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंने चॉकलेट फ्लेवर ली थी। मेरी आइसक्रीम पिघल रही थी और मेरी ड्रेस पे भी लग गई थी। तभी लोग मेरे को देख रहे थे और मम्मी ने मेरे को करा गुस्सा कि इतनी अच्छी ड्रेस तुमने खराब कर दी आइसक्रीम लगा के। फिर उसके बाद हम पता नहीं कहाँ से मार्केट से बाहर पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने खाए मोमोज और कचौड़ी। फिर हम चले गए वापस से मार्केट के अंदर। फिर मैं देखने लगी अपनी छोटी बहन के लिए फ्रॉक, लेकिन मेरे को तो यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने बोला मम्मी नहीं, यहाँ तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, तो चलो अपने लिए ही कर लूँ शॉपिंग में। फिर मैंने देखे मम्मी के लिए दुपट्टे, तो मैंने कहा मम्मी दुपट्टा ले लो, तो मम्मी ने कहा नहीं। मम्मी ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे दुपट्टे हैं, इसलिए मेरे को दुपट्टे की जरूरत ही नहीं है। मैं पूरी मार्केट में मम्मी से कह रही थी मम्मी मेरे को टी शर्ट ले दो, टी शर्ट ले दो। मम्मी ने पूरी मार्केट घुमा दी, लेकिन टी शर्ट तो मिली ही नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये ब्लैक वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है। मम्मी ने कहा कि ये तो पापा के आ जाएगी। फिर मैंने अपनी बोतल में भरवाया पानी। हमारे पास ऑलरेडी बोतल थी, इसलिए हमने भैया को दिए 10 रुपए और फिर हमने पानी भरवा लिया। और मेरे को हो गया है जुकाम इस करके, लेकिन मैंने फिर भी आइसक्रीम खाई। मम्मी ने बोला, फिर मम्मी मेरे से कहने लगी कि कॉर्ड सेट ले लो बस। तो फिर मैंने 4 जोड़ी कॉर्ड सेट लिए, वो बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर। फिर मैंने दिए भैया को पैसे, मैंने कहा भैया पैसे ले लीजिए वरना पैसे हम भूल जाएंगे। फिर हम गए बस में, और ये देखिए हमें तो सनरूफ वाली बस मिल चुकी है। हमारे पहली बार नहीं, दूसरी बार गया है। हम पहले भी इसी बस में गए थे, सेम बस में, ऐसे ही सनरूफ में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।